हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में से एक तो है ही, साथ ही यहाँ की रोड को दुनिया की सबसे बढ़िया रोड मानी जाती है। इस देश के इंटरनेट है सबसे तेज। एक ऐसा देश जहाँ है दुनिया का सबसे भारी बिल्डिंग, और इसी देश में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का चर्च भी देखने को मिलता है। जब बात आती है यहाँ के लोगों के पीने की तो उसमें ये सबसे आगे है। यहाँ के हर एक इंसान को वाइन और बियर पीने का गजब का शौक है। इस देश की लड़कियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियाँ हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक शानदार देश रोमानिया की, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं रोमानिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि रोमानिया देश का बॉर्डर बुल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया और मोल्डोवा देश से जुड़ता है, जबकि एक तरफ ब्लैक सी भी मौजूद है। देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 2 करोड़ और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 61वां सबसे बड़ा देश है। रोमानिया के 56% लोग शहर में रहते हैं तो 44% लोग गाँव में। यूरोप कॉन्टिनेंट पर स्थित इस स्वतंत्र देश के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा से खूब प्यार करते हैं। इसी कारण इस देश के 85% लोग रोमानियन भाषा ही बोलते हैं। यहाँ पर ना तो इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ना ही कोई और भाषा। इस देश में सिर्फ और सिर्फ रोमानियन भाषा ही बोली जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो अपनी भाषा किसी और भाषा के लिए क्यों छोड़े। रोमानिया देश हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से भी छोटा सा देश है, लेकिन जब बात आती है तरक्की की तो इसे यूरोप के टॉप देशों में गिना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ के लोग भी बहुत दिलदार होते हैं। चूंकि देश की आबादी कम है तो यहाँ की डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश को दुनिया का सबसे भूतिया देश भी कहा जाता है। जी हाँ, रोमानिया के बारे में ये बात कही जाती है कि इस देश में काला जादू करने वालों की कोई कमी नहीं है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको आत्मा और भूत प्रेत के बारे में कहानी सुनाकर आपको डरा सकते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में वियना और पेरिस के बाद रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। बुचारेस्ट शहर में सबसे ज्यादा लोगों के रहने का कारण है कि यहीं से सबसे ज्यादा रोजगार भी मिलते हैं। वैसे आपको बता दें कि रोमानिया के लोग नौकरी करने से ज्यादा अपना खुद का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। राजधानी बुचारेस्ट में बना यहाँ का पार्लियामेंट दुनिया भर में काफी मशहूर है। जानते हैं क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे भारी इमारत है। ये इमारत 240 मीटर लंबा है, 270 मीटर चौड़ा और 86 मीटर ऊंचा, जिसमें कि 12 मंजिलें हैं। माना जाता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 3 बिलियन यूरोस का खर्चा लगा था, वो भी बहुत पहले जमाने में। बुचारेस्ट में दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम है कार्तुरेस्टी कारुसेल, जो कि 2015 में खोला गया था। ये बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है और यहाँ जो आता है वो किताब खरीद कर ही जाता है। साथ ही यहाँ पर दुनिया की हर फेमस बुक मिल जाती है, तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं। दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ घरों को लेकर लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश में या तो जनसंख्या अधिक होती है या फिर अधिक मात्रा में प्रवासी बस जाते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग या तो किराए पर रहते हैं या फिर गरीबी के कारण फुटपाथ पर। लेकिन दोस्तों रोमानिया एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के बीच किराए के घर में रहने की परंपरा है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ के 97% लोग अपने ही घर में रहते हैं। 3% ही ऐसे हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, और वो भी बाहर के देश से आए लोग होते हैं। अगर कोई काम के लिए इस देश में जाता है तो कंपनी ही उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस देश में किराए के मकान में रहने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रोमानिया के लोगों की एक खासियत ये भी है कि इन्हें अपने त्योहार मनाना बेहद पसंद है। यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल में सबसे खास है लेडीज फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल, जो मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित हैं। इसके अलावा भी इस देश में बहुत धूमधाम से हर एक त्योहार मनाया जाता है। रोमानिया के लोग बड़े म्यूजिक लवर होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के गाँव में आपको बहुत सुरीली म्यूजिक बजती हुई सुनाई देगी। कहा जाता है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने अपना अलग ही फोक म्यूजिक तैयार किया हुआ है, जो कि हर समय यहाँ के गाँव में बजती रहती है। रोमानिया के लोगों के बीच में डांस करने की भी बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ के लोग पार्टी लवर होते हैं और जम कर जीते हैं। यहाँ अगर कोई छोटी सी भी सेलिब्रेशन हो तो समझिए कि यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। दोस्तों पार्टी से याद आया कि रोमानिया भले ही बहुत छोटा सा देश हो, लेकिन यहाँ के लोग दारू पीने के मामले में बहुत तेज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग यूरोप में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाले देश की सूची में 5वें नंबर पर आता है। बता दें कि रोमानिया के लोग मेहमानों का स्वागत वाइन से करते हैं। जैसे हमारे देश में पानी दिया जाता है, वैसे ही इस देश में वाइन दी जाती है। पीने के साथ साथ खाने में भी ये पीछे नहीं है। रोमानिया का नेशनल डिश है सरमाला,
ये एक गोभी के रोल है जिसे कीमा बनाया हुआ मांस से बनाया जाता है। इन्हें जड़ी बूटियों और चावल के साथ मिलाया जाता है और गोभी के पत्तों से ढका जाता है। इसे लगभग हमेशा खट्टा क्रीम के साथ परोसा जाता है और ये सर्दियों की छुट्टियों के दौरान सबसे ज्यादा खाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 4G आपको इसी देश में मिलेगी। यहाँ के रिमोट जगह पर चले जाइए, आपको 4G की स्पीड सबसे ज्यादा मिलती है पूरी दुनिया की तुलना में। रोमानिया के लोग कमाल के होते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाया गया था। 2013 में बनाया गया इस झंडे को बनाने में 44 माइल्स लंबे धागे का इस्तेमाल किया गया। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा झंडा बना होगा। रोमानिया में आपको रेल की भी बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। कुल मिलाकर 22,298 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है यहाँ, और देश का हर एक छोटी से छोटी जगह भी रेल से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर बहुत कम पैसे खर्च करने होते हैं। रोमानिया के लोगों को फूलों से बहुत प्यार है। आपको हर जगह खूबसूरत फूल नजर आएंगे, लेकिन यहाँ ठंड की वजह से बहुत सारे पेड़ खराब हो जाते हैं। नहीं तो गर्मी के मौसम में यहाँ का नजारा बहुत ही कमाल का लगता है। तब आपको यहाँ का चारों तरफ ताजगी नजर आएगी। वेल, बता दे कि दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर आपको कब्रिस्तान भी रंग बिरंगी है। यहाँ के कब्रिस्तान को बहुत अच्छे से बनाया जाता है। आपको लगेगा कि ये वाकई में कोई कब्रिस्तान है या कुछ और, क्योंकि ऐसा कब्रिस्तान आपको कहीं और नहीं दिखेगा। यहाँ पर तरह तरह के रंग के साथ ही हर कब्र के ऊपर आपको अलग अलग नक्काशी भी दिखेगी। दोस्तों, जब बात होती है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों की, तो उस समय सबसे पहले रोमानिया देश का नाम भी टॉप 5 देशों में लिया जाता है। कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं और खुले विचार की होती हैं। वो किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं और रिश्तों को बनाकर चलती हैं। लेकिन दोस्तों, अपने दिल को संभाल कर ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को देखकर सबको मोहब्बत हो जाती है। रोमानिया में एक गांव है जिसका नाम है अस्त्रा म्यूजियम ऑफ फोक सिविलाइजेशन। ये म्यूजियम तो है ही, लेकिन इसे ओपन म्यूजियम के तौर पर बनाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 300 से ज्यादा घर हैं और ये बहुत पुराने जमाने के रोमानिया को दर्शाते हैं, और इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत ही खास और खूबसूरत है। और आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि पुराने जमाने में कैसे रोमानिया के लोग रहते थे। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राउन बियर रोमानिया देश में पाए जाते हैं? तकरीबन 6,000 से भी ज्यादा ब्राउन बियर इस देश में है अभी। ये बहुत ही अलग किस्म के जानवर होते हैं जो कि हमला करने में भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत रोड की जब बात होती है, तो दोस्तों वहां पर भी रोमानिया देश का नाम सबसे ऊपर आता है। इस देश में बने रोड की क्वालिटी सबसे बढ़िया मानी जाती है, और यहाँ आप चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मक्खन जैसा रास्ता मिलेगा। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी आपको इतने अच्छे रोड मिलते हैं मानो कि आप किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर गाड़ी चलाना यानी कि जन्नत की सैर करने के बराबर है। यहाँ वैसे भी आप देखेंगे कि आम आदमी भी छुट्टी में खासकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। रोमानिया और सर्बिया के बीच नदी किनारे बने रॉक स्कल्पचर्स यहाँ का एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जिसको कुछ कलाकारों ने मिलकर बनाया है। पहाड़ी पर बना ये चेहरा बिल्कुल असली लगता है, लेकिन असल में ये पत्थरों का बना हुआ है। यहाँ का नजारा देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी रोज आते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाना। साथ ही दोस्तों, रोमानिया के ब्रासोव शहर में बना ड्रैकुला कैसल एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे इस कैसल से आप पूरे ब्रासोव शहर को देख सकते हैं। दुनिया भर में फेमस इस महल को ब्रासोव वासियों ने पुराने समय में ऑन्टोमस और टॉटस के आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए बनाया है। दोस्तों, साल 2007 में रोमानिया देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था, जिसके बाद से यहाँ के लोग यूरोप के किसी भी देश में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये लोग कभी भी यूरोपीय देशों में आ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 से 14 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो रोमानिया में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 80,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू, जिसकी वैल्यू है लगभग 17.51 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था रोमानिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।